हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मोर पर 20 लाइन निबंध लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन, मोर एक सुंदर पक्षी है। दूसरी लाइन, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। तीसरी लाइन, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चौथी लाइन, मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है। पांचवी लाइन, इसलिए मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता है। छठी लाइन, मोर की गर्दन लंबी होती है। सातवीं लाइन, इसका सिर छोटा और इसकी चोंच छोटी होती है। आठवीं लाइन, इसकी आंखें छोटी किंतु सुंदर होती है। नौवीं लाइन,
मोर के पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं। 10वीं लाइन, इसके पैर बहुत खुरदरे होते हैं। 11वीं लाइन, इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। 12वीं लाइन, मोरनी के सिर पर कलगी नहीं होती है। 13वीं लाइन, मोरनी मोर जैसी सुंदर नहीं होती है। 14वीं लाइन, मोर फल, अनाज, सांप और कीड़ों को खाता है। 15वीं लाइन, यह जंगलों में पाया जाता है। 16वीं लाइन, कुछ लोग इसे पालतू की तरह रखते हैं। 17वीं लाइन,
इसके पंखों के लिए इसका शिकार किया जाता है। अठारहवीं लाइन, मोर का शिकार करना हमारे देश में प्रतिबंधित है। 19वीं लाइन, मोर का नृत्य बहुत मनमोहक होता है। 20वीं लाइन, मोर बादल को देखते ही थिरकने लगता है और बारिश होने पर मन को मोहने वाला नृत्य करने लगता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।